कैसे हो आप? सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन कोरमा। हमें मटन कोरमा बनाने के लिए चाहिए हड्डी वाला गोश्त जो होता है बहुत ही जायकेदार देता है जायका। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गोश्त लिया है, मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी सामान मिलाकर। तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब दही ऐड कर दूँगी और 2 टेबल स्पून में इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी मैं इसमें। और 2 से 3 चुटकी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी रेस्ट देने के लिए। गोश्त में हमारा मसाला बहुत अच्छे से घुल जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। तो 1/2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, 4 मैंने यहाँ पर लौंग ली हैं, और यहाँ पर 6 से 7 मैंने काली मिर्च ली हैं, 3 हरी इलायची ली है मैंने, जायफल जावित्री और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 हरी इलायची ली है। फ्रेंड मैंने एक कुकर में प्याज ऐड कर दी है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज की, और मैं इनको गोल्डन फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से हो रही है हमारी प्याज, बहुत ही अच्छे सुनहरी कलर लाना है हमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली ही रेसिपी है ये। और देख किस स्टाइल की बनती है, यूपी में बहुत ही ज़्यादा और इंडिया में पसंद की जाती है कोरमे की रेसिपी। प्याज को हमेशा हमें ठंडे तेल में डालना चाहिए, ठंडे तेल में एकदम हमारी करारी प्याज तैयार फ्राई होकर तैयार होती है। और हमें बीच बीच में से इसको चलाते रहना है। मैंने प्याज को तेल से बाहर निकाल ली है, बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है। इसी तेल में गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 2 मैंने यहाँ पर सूखी मिर्च ली है, और फ्रेंड मैंने यहाँ पर गोश्त भी ऐड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से भुनना है हमारा गोश्त, मुझे इसको 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भूनना है। बीच बीच से हमें इसे चलाते रहना है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मटन कोरमा रेसिपी। तो फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से भुन गया है, तेल भी बहुत अच्छे से अलग हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 गिलास के करीब पानी, और मैं इसको 3 से 4 सीटी लेने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड मैं इसमें प्याज भी ऐड करने वाली हूँ अभी, थोड़ा सा मैं हाथ की मदद से इसको इस तरह से वो कर लूँगी। तो फ्रेंड मैंने प्याज भी ऐड कर दी है, अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। तो फ्रेंड देखिए कोरमा बनकर हमारा तैयार है, और गैस का फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया है, और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बुरी तरह से ट्राई करें, पसंद आएगा और मेहमानों को खिलाइए। तो फ्रेंड मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मुझे बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़। अगली रेसिपी के लिए बाय बाय।